फ्लैट सेक्टर 6 के अंदर डेफोडिल अपार्टमेंट है। ये इसका फ्रंट गेट है, ये चलती हुई सीढ़ियों का फ्लैट है। यहाँ पे जैसे डेफोडिल में एक फ्लोर पे दो फ्लैट्स हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो ये हमारा ऊपर वाला है। दिस इज़ अ 6 फ्लोर फ्लैट। टोटल यहाँ पे सोसाइटी के अंदर 8 फ्लोर्स हैं। और ये इसका फ्रंट गेट हो गया। फ्रंट गेट पे भी आप देख सकते हो, एक तो आपको यहाँ पे पूरा प्रॉपर लोहे का गेट मिल जाता है, उसके साथ ये वुडन गेट भी मिल जाएगा। और जैसे ही आप एंटर करोगे फ्लैट में, तो दिस इज़ होल योर ड्राॅइंग रूम। सो आप देख सकते हो दिस पूरा ये इसका ड्राॅइंग कम डाइनिंग स्पेस है। सो काफ़ी अच्छा स्पेस है ये। और इसके साथ हमें मिल जाती है बालकनी। सो दिस इज़ द बालकनी। और बालकनी का भी आप व्यू देखोगे तो पूरा पीछे का DDA पार्क फेसिंग बालकनी है। काफ़ी अच्छा व्यू मिल जाता है हमें यहाँ से। सो पूरी स्पेशियस बालकनी है, जैसे आप देख सकते हो। बालकनी के अंदर भी आपका जाली का गेट भी लगा हुआ है। और ये पूरा आपका ड्राॅइंग हॉल एरिया हो गया कम डाइनिंग स्पेस। सो यहाँ आप अपना सोफ़ा प्लान आउट कर सकते हो इस एरिया में। यहाँ पे आप आपका प्रॉपर सोफ़ा एल शेप लग जाएगा और इस तरफ को आपका जो है डाइनिंग रूम बन जाएगा। सो दिस इज़ होल इज़ अ ड्राॅइंग कम डाइनिंग स्पेस। सो काफ़ी अच्छा एरिया है ये। इसी के साथ यहाँ पे हमें किचन मिल जाती है। सो ये दिस इज़ अ ह्यूज बिग किचन। सो आप देख सकते हो पूरी बड़ी किचन है हमारे पास। यहाँ पे पूरी स्पेशियस किचन है और इसमें सिंक एरिया जो है हमारा वो अलग हो जाता है। ये हमारा सिंक एरिया हो गया और यहाँ पे हमारी चिमनी लग जाएगी। चिमनी जो कि लगी हुई है, हॉब आपने लगाना है यहाँ पे, और हमारा IGL का पॉइंट भी बना हुआ है। सो दिस इज़ होल दिस किचन। पूरी मॉडुलर किचन बनी हुई है और काफ़ी स्पेशियस किचन है। अब चलते हैं हम अपने रूम्स की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास 3 रूम्स हैं। एक बेडरूम हमारा लेफ्ट साइड पे आएगा और यहाँ पे हमारे 2 बेडरूम्स यहाँ पे आ जाएंगे। सो यहाँ पे हमारे 2 बेडरूम्स हैं। सो पहले हम फर्स्ट बेडरूम को देख लेते हैं, जो कि हमारा इस तरफ को है। दिस इज़ अवर फर्स्ट बेडरूम। फर्स्ट बेडरूम की मैं बात करूँ तो काफ़ी स्पेशियस रूम है। सामने की तरफ बेड आ जाएगा आपका और 3 डोर्स की अलमीरा मिल जाती है इसके अंदर। और यहाँ पे आपका AC का विंडो AC का पॉइंट आ जाएगा। तो सही है हमारा फर्स्ट बेडरूम। सो इसकी ये बल देखोगे तो आपकी पूरी अलमीरा बनी हुई है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट बेडरूम की तरफ। उससे पहले मैं आपको इसका कॉमन वॉशरूम दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ द कॉमन वॉशरूम। सारा नीचे टाइल वर्क हो रखा है इसके अंदर। फिटिंग्स जो हैं सारी वो जैगवार की यूज़ की गई हैं और वॉश बेसिन भी आप देखोगे पूरा डिज़ाइनर लगा हुआ है। सो दिस इज़ अवर कॉमन वॉशरूम। तो टोटल 2 बेडरूम वॉशरूम्स हैं इसके अंदर। एक मैंने आपको दिखा दिया है, दूसरा रूम के अटैच है। अब ये आ गया हमारा सेकेंड बेडरूम। सेकेंड बेडरूम भी काफ़ी स्पेशियस मिल जाएगा हमें। ये हमारी आ गई बेड वॉल और सामने की तरफ हमारे पास आ गई 3 डोर अलमीरा और यहाँ पे हमारी विंडो आ गई। विंडो में आपका AC का पॉइंट वगैरह सब बन जाएगा। सो दिस इज़ द सेकेंड बेडरूम। अब हम चलते हैं अपने मास्टर बेडरूम की तरफ। सो ये है हमारा प्रॉपर मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम काफ़ी स्पेशियस है इसका। सो ये आ गई हमारी प्रॉपर 3 डोर अलमीरा और यहाँ पे इसका आ जाता है प्रॉपर AC का पॉइंट। यहाँ पे अपना AC लग जाएगा और इसके साथ हमें मिलता है प्रॉपर अटैच वॉशरूम। सो दिस इज़ द वॉशरूम। इसमें भी सारी जैगवार फिटिंग्स हैं, सब सब नया पूरा बाथरूम जो बना है प्रॉपरली नया बना है। सो ये है हमारा 3 बेडरूम का फ्लैट। काफ़ी चीप है ये फ्लैट। अगर मैं इसकी आस्किंग प्राइस की बात करूँ तो 1.68 की आस्किंग है। रेस्ट वी कैन नेगोशिएट ऑन द टेबल। बाकी कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल आप कॉल कर सकते हो 9999551682 पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।